So now in the given question, a solid cylinder is given and its curved surface area is 1/3 the its total surface area, and its radius is given to, which is 2.5 cm, and we have to calculate the height of this cylinder. Okay, so इसमें आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो 1/3 है आपके टोटल सरफेस एरिया के. ओके, एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन इज रेडियस है आपकी 2.5 सेंटीमीटर. तो आइए रिकॉल करते हैं आपका फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, और जहां पर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh प्लस 2πR². ओके, तो आइए पहली इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, जो कह रहा है तो कर्व सरफेस एरिया विच इज 2πRh इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया. तो दैट वुड बी 1/3 इनटू 2πRh प्लस 2πR². ओके, अब यहां पर जो रेडियस है वो गिवन है आपको 2.5 सेंटीमीटर. तो डायरेक्टली आप रेडियस की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आप डायरेक्टली हाइट निकाल पाएंगे. तो थोड़ा सॉल्व करते हुए हम लोगों की हाइट आ जाती है 1.25 सेंटीमीटर. तो इस सिलेंडर की हाइट होगी 1.25 सेंटीमीटर.